नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 फर्स्ट एक्सप्रेस। मैं आपके साथ सीमा। बढ़ते हैं देश प्रदेश की तमाम खबरों की ओर। ग्रीन इंडिया म्यूचुअल बेनिफिट लिमिटेड कंपनी के प्रबंध निदेशक शिव बहादुर मौर्या के द्वारा निवेशक का पैसा 2 वर्षों से नहीं दिया जा रहा है। प्रबंधक शिव बहादुर मौर्या के द्वारा कंपनी की जो पावर हाउस के पास 10 बीघा जमीन सजेशन करते हुए बेच दी गई, उसको लेकर निवेशक अपने पैसे की वसूली के लिए पुलिस अधीक्षक कार्यालय व जिला अधिकारी महोदय को प्रार्थना पत्र सभी निवेशकों की मौजूदगी में दिया गया। तो तेज बोलिएगा, हाँ तो तेज बोलिएगा। एक सेकंड, क्या परिचय है आपका? रामजी मिश्रा सर, उचाहर रैतवल। क्या है पूरा मामला? मामला सर ये है कि ग्रीन इंडिया बायोटेक फॉरेस्ट्री लिमिटेड, ग्रीन इंडिया म्यूचुअल बेनिफिट लिमिटेड, जिसके डायरेक्टर SB मौर्या, हम लोगों को सब कार्यकर्ता बनाए, एम्प्लॉय बनाए और उसके बाद जो है पैसा जमा कराया। अब मैच्योरिटी सर 2 साल से पेंडिंग पड़ी है। जो कंपनी की जमीन थी, जो कंपनी का लैंड था 10 बीघे हमावा रोड पर, उसको उन्होंने चोरी से बेच के और फरार है सर। और सभी निवेशकों का पैसा सर हम लोगों को देना है और परेशान कर रहे हैं। कितना समस्या है? ऊंचाहर से आए हुए हम लोग, हमारे साथ इतनी जनमानस हम लोगों के साथ है। एक ग्रीन इंडिया कंपनी थी, ग्रीन इंडिया बायोटेक फॉरेस्ट्री लिमिटेड और ग्रीन इंडिया म्यूचुअल बेनिफिट लिमिटेड, जिसके माध्यम से जनता का करोड़ों रुपए जमा करवाया गया और लगभग 2 साल से मैच्योरिटी के लिए आजकल जो है वादा किया जा रहा है, जिसके प्रबंध निदेशक माननीय शिव बहादुर मौर्या जी 1/9/2021 को जो है इनकी एक जमीन थी फार्म हाउस, उसको जो है बेच करके पैसा लेकर के फरार है। आज कहाँ आए हुए हैं? आज हम लोग SP कप्तान साहब के पास आए हुए हैं अपनी समस्या को लेकर के, जिससे पब्लिक बहुत आक्रोशित है। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए न्यूज़ 24 फर्स्ट एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।